देखिए, बहुत लोग चाह रहे हैं कि माहौल बदलते अपने गाने के माध्यम से, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और रियल माहौल जो बदलने की ताकत है वो अपने पावर स्टार ही रखते हैं। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की बात करें, अब बताइए है किसी में ताकत, है किसी में फिलहाल जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आके वन डे में 5 मिलियन से ज़्यादा व्यू ला दे और 2 लाख 2.5 लाख लाइक्स मिल जाए? अभी नहीं मिल रहा है किसी को, ये असंभव है। और वो गाना नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है। इस गाने की जितनी तारीफ करूँ मैं कम है। कल से मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं कुछ बिजी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गाना वाकई में एकदम जबरदस्त कमाल अमेजिंग सॉन्ग है। क्यों अमेजिंग है? क्योंकि इस गाने में 2 चीज मुझे बहुत खास लगा। एक तो इस गाने का म्यूजिक और दूसरा लिरिक्स। क्योंकि आशुतोष तिवारी कोई भी गाना लिखते हैं ना तो उसके उनके शब्दों को आप काट नहीं सकते हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ जो रेगुलर गाने आते हैं उससे हटके ये गाना है जो कि अच्छा लगा, मजा आ रहा है, तभी तो पब्लिक इतना प्यार दे रही है। फिलहाल नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस गाने को नंबर 1 जरूर बनाएंगे। हाँ, इस गाने में कमी भी मुझे 2 दिखी, वो भी मैं बताना चाहूँगी। एक तो पहली कमी ये दिखी कि इन लोगों से बार बार कहा जाता है कि आप लोग शिल्पी शिवानी को हर जगह मत बिठा दो, जबरदस्ती नहीं घुसा दो। शिल्पी राज का जो ये लाइन है ना, ये सब ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि इरिटेट कर रहा है ये आवाज़। और दूसरी बात कि कुछ और कोशिश करके गाने में जो डांस की क्वालिटी थी उसको बढ़ाया जा सकता था। जिस टाइप से ये सॉन्ग है इस पर आप अच्छा डांस कर सकते हो, तो मुझे कहीं ना कहीं इस गाने में डांस की कमी दिखी। खैर कोई बात नहीं, मिला जुला के ओवरऑल गाना टॉप लेवल में है। क्योंकि जिस तरह से वेरिएशन में गाए हैं पवन सिंह, उनका तो कहना ही नहीं है कुछ। और लिरिक्स और म्यूजिक भी कमाल का दिया है प्रियांशु और आसू ने। तो माहौल तो पावर स्टार बदल चुके हैं, बाकी लोग बात कर रहे हैं और माहौल बदलने की, देखते हैं कल कैसा माहौल होता है। वीडियो और आता रहेगा, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए भरपूर।